हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबकी शालिमा, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और आप सुन रही हैं दीवान की अस्क की। और चलिए बताते हैं कि आगे क्या हुआ, तो सुन लेते हैं प्रीवियस पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी अनंतका होती है, वो परेशान होके, बहुत ज़्यादा परेशान होके गाड़ी चला रहे थे, उनका एक्सीडेंट होता है। वो जैसे तैसे करके पैसे लेके अपने हॉस्पिटल तक, मतलब अपने मंजिल तक पहुँचती हैं, धन न भागे। वहाँ पे इनकी मॉम को पता चलता है, उनकी मॉम के दिमाग में एक अजीब सी कसमकस बनी हुई होती है। कहते हैं कि वो जैसे ही प्रियंका से बात करती है, प्रियंका बोलते हैं कि माँ, आप इतनी बड़ी बात कैसे कैसे आप मतलब हल्के में ले सकते हो, आपको बताना था। तो कहती हैं कि बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता इतने ज़्यादा गिर जाएंगे या इतनी ज़्यादा नफ़रत में वो डूब जाएंगे। मुझे लगा कि वक्त के साथ वो शायद अनंतिका को अपना ले, वो समझ जाए कि उससे अच्छा इंसान दुनिया में नहीं है। तो वो कहते हैं कि माँ, आपको पता नहीं है कि डैड ने, इतना ही नहीं, वो पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं कि उनको मारने के लिए, या उनके दिमाग पे जो चीज़ें हैं वो बस किए जा रहे हैं। बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं फ़र्क पड़ता है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अनंतका काफ़ी एफर्ट की होती है उनकी माँ ना होने की वजह से। काफ़ी ज़्यादा वो अपने लाइफ को सिक्योर तरीके से तो नहीं जी होती है, बट अपने डैड से उनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और उस प्यार के खातिर, उस इज्जत, उस यकीन के खातिर वो अपने डैड को हर कीमत पे बचाना चाहते हैं। उनकी हालत खुद ठीक नहीं होती, मगर अपने पापा की हालत उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। जैसे ही काउंटर से सिमरन पैसे जमा करके आते हैं, तो हमारी अनंतिका जो होती है कहती है कि क्या हुआ सिमरन, सब ठीक है ना, प्लीज़ कह दो कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। और उनको गले लगा के खुद को बस यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती हैं। कहते हैं कि डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। तो सिमरन समझ चुकी होती हैं कि अनंतिका खुद पे काबू नहीं कर पा रही होगी, कि प्लीज़ आप रेस्ट कर लो, आपको इतनी सारी चोट आई है, प्लीज़ आप रेस्ट करो। वो बोलती रहती हैं। और एट लास्ट आके वो थोड़ा सा नॉर्मल सॉरी तो नहीं कहेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती हैं। सिमरन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अनंतिका की ये हालत हो गई। और उनके ज़िंदगी में चल क्या रहा है, इधर इनके डैड बीमार हैं, इधर इनके अनंतिका की एक्सीडेंट, और मतलब उनको थोड़ा सा सिमिलर चीज़ें समझ आ रही होती कि मतलब ऐसे कैसे एक इंसान, और इतनी सुबह सुबह कैसे, मतलब वो खुद समझ पा रही होती है नो अनंतिका को। बट उस टाइम अनंतिका और उनकी फैमिली, मतलब उनके फादर की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस भी कह सकते हैं, और उस सिचुएशन में क्या गलत क्या सही, इस चक्कर में ना फंसते हुए सिमरन अनंतिका को समझाती हैं। दोनों लोग का बड़े प्यार से ध्यान रखती हैं, बहुत केयर करती हैं,
धनंतर इनके फादर को पता चल जाता है कि नहीं अभी भी अनंतिका को कुछ नहीं हुआ, अभी भी वो ठीक है। फिर उनके दिमाग में आता है कि अब वो क्या करे, अब ऐसा क्या करे जिससे कि वो पूरी तरह से दोनों अलग हो जाए। और तो हमारे इधर अनंतिका रेस्ट करी होती है, उनके पास उनका फ़ोन होता है और वो फ़ोन आता है अनंतिका के मैनेजर का। और मैनेजर पहचान नहीं पाता, कॉल उठाती लेकिन मैम वो जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी और किसी नहीं सिमरन के डैड की गाड़ी है। तो सिमरन मैम आपकी जो फ्रेंड है वो ये बात सुनते हैं क्या? तो कहते हैं कि आप कौन? तो कहती कि मैं सिमरन। कहती कि ओ सॉरी सॉरी मैम, मुझे लगा कि अनंतिका मैम है। तो कहती हैं कि अभी आपने क्या कहा? कहते हैं कि नथिंग नो मैम। तो कहती है कि मैंने पूछा क्या बोलिए, तो वो बता देता है। और हमारी सिमरन बहुत गुस्से में आ जाती है, मगर उस वक्त अनंतिका को देखती है। अनंतिका उसके सर पे पट्टी, हाथ में पट्टी, पैर पे, मतलब वो उस हालत में नहीं होती कि अगर यदि वो इस सिचुएशन में उनको छोड़ के जाती है तो अनंतिका सरवाइव कर पाए। इधर इनके डैड भी एडमिट होते हैं और कोई होता नहीं देखभाल करने के लिए। वो जाती है कैंटीन, उनके लिए खाना लेके आती हैं, दोनों लोगों को खाना खिलाती हैं। और शाम को सर्जरी होनी जा रही होती है, तो खाना खिलाने के बाद दवाई दोनों को देती हैं और कहती हैं कि डैड आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो कहते हैं कि हाँ बेटा मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों के साथ जो टाइम जो स्पेंड करना है मुझे, बहुत कुछ देखना है यार, अपने पोतों पोतियों के साथ खेलना है मुझे। नहीं डैड आप भी कुछ भी, वो उनके सामने नज़रें उनकी झुकी होती हैं, मगर उन नज़रों में गुस्सा और नफरत अपने डैड के लिए बढ़ चुका होता है। हमारी सिमरन जो होती हैं काफ़ी खुश मिजाज लड़की होती हैं, अपने डैड के करतूतों पे उस शर्मिंदा होती है, मगर अब वो पानी सर से ऊपर चढ़ चुका होता है। बस इंतज़ार होता है सिमरन और सॉरी अनंतिका और उनके फादर को ठीक होने का। इधर प्रिया आती है प्रियंका के साथ और दोनों पहुँचते हैं। कहती हैं कि सिमरन तू भी कुछ खा ले, प्रियंका बोलती है। तो कहते हैं नहीं दी मुझे कुछ नहीं खाना उस घर से। तो कहते हैं कि उस घर से मतलब तेरा भी घर है वो, समझी? ज़्यादा नाटक मर कर जल्दी से खा ले, पता है जीसू तबीयत खराब है तो उनकी वजह से तो परेशान है। तो कहते हैं कि नहीं दी जो पापा ने किया है मैं उस चीज़ से परेशान हूँ। तो अचानक जब पापा बोलती है तो कहते हैं कि किस बारे में बोले छोटी तू? तो कहती है कि वही जो डैड ने किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और कहती हैं कि अब मैं बस उनको उनके कुछ मैं अपने कुछ सवालों के जवाब उनसे लेना चाहती हूँ, बस कुछ, बट अभी नहीं, अभी उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली का ध्यान रखना होता है। वो प्रियंका सुन के सन रहती हैं, प्रिया भी सन रहती है कि पता कैसे चला। और जब उनके हाथ में अनंतिका को फ़ोन देखते हैं प्रिया और प्रियंका को इशारा करती हैं, प्रियंका भी देखती हैं उनको, फ़ोन उनके हाथ में देखता है तो कहते हैं पक्का इससे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा केयरफुली कहते हैं कि सिमरन तुम अभी अभी खा लो, गुस्सा मत हो। तो कहते हैं कि नहीं दी नहीं प्रिया आप आपको पता है ना, कहते हैं कि दोनों का ध्यान रखने के लिए खुद का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। वो कहते हैं ठीक है।
इधर शाम को सर्जरी होती है, फिर ऐसे ही बहुत स्मूथ, बहुत वो सब्र के साथ वो टाइम बीतने लगता है, वक्त बीतने लगता है। वही रूटीन होता है, वो घर जाती है और कपड़े चेंज करती है, तुरंत चली आती है, प्रेस भी नहीं करती, जिसकी वजह से उसकी भी थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगती है। और अनंतिका इधर धीरे धीरे रिकवर करने लगी होती हैं, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी ना रूटीन मेंटेन होने लगी होती है, ना हंसी मजाक प्यार कुछ नहीं, बस एक दूसरे को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए एक दूसरे में जुटे हुए होते हैं। और हमारे अनंतिका जो कहती हैं कि सिमरन अभी तुम घर जाओ, मैं अपने घर पे ही कुछ दिन रुकूंगी, डैड का ध्यान रखूंगी मैं, और सब कुछ ठीक होते ही मैं तुम्हें लेने आऊँगी। तो कहती हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर पट्टे यहाँ से डिस्चार्ज हो जाइए आप दोनों, फिर मैं यहाँ जा रही हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है, इधर डिस्चार्ज पेपर बनता है। और अनंतिका जो हमारी अनंतिका होती हैं, वो अपने डैड के साथ डिस्चार्ज करा के अपने घर चली जाती है। और इधर सिमरन और प्रिया, प्रियंका, प्रिया और प्रियंका को पता होता है कि सिमरन को पता चल चुका है, मगर अनंतिका को पता नहीं होता है कि सिमरन को पता चल चुका है कि क्या हुआ है इस बीच इस दौरान। तो और दोनों की हिम्मत भी नहीं होती कि वो जाके बोलेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ। और हमारी जो सिमरन होती हैं, वो भी प्रिया और प्रियंका के साथ घर पहुंचती हैं। तो उनके डैड को चिल्ला रही थी, डैड डैड किधर हैं आप? तो कहते हैं कि क्या हुआ सिमरन? तो कहती हैं कि डैड आपने जो भी किया है ना अनंतिका के साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो ऐसे जब उनके डैड सुनते थे कि मैंने ऐसा क्या किया, फिर उनकी बातों को इग्नोर करके चले जाते हैं वहाँ से। और वो अपने कमरे में जाती हैं, बैग निकालती हैं, सारे कपड़े अपने रखती हैं, और वो सीढ़ियाँ उतर रही होती हैं। तो हमारी जो दमयंती जी होती हैं, वो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तो कहते हैं कि अपने घर माँ। तो कहते हैं अपने घर? ये तुम्हारा ही तो घर है बेटा, तुम कहाँ जाओगे? तो कहते हैं नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये पापा का घर है और अनंतिका का घर मेरा है। तो कहती हैं कि क्या बकवास कर रहे हो बेटा तुम? तो कहते हैं कि माँ मैं बकवास नहीं कर रही। तब तक उनके डैड ऐसे आवाज़ सुन के वो बाहर आ जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ सिमरन, फिर से तुम क्या नाटक बचा रही हो? हाँ अभी तुम हॉस्पिटल से आई, तुम्हें घर पे तो रहना होता नहीं है, और अभी तुम फिर से नाटक मचा रही हो। तो कहते हैं कि नाटक मैं मचा रही हूँ? वो अपने डैड की तरफ नज़र उठा के नहीं देखती है और नीचे देखते हुए उनसे बात करती है। कहती है कि मैं नाटक मचा रही हूँ डैड, आपने जो किया वो क्या, मतलब वो क्या था, आप करना क्या चाह रहे थे, क्या आपको क्या लगता है कि आपकी ये चीज़ें, ये आप जो कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ आप क्या चाहते हैं कि जो सिद्धि दीदी के साथ हुआ है, हम जो प्रियंका दीदी के साथ हुआ है, हाँ जो बाकी बहनों, जो बाकी मेरी बहनों के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो? हाँ नहीं, आप अपने बिजनेस, अपनी ज़िंदगी, अपना प्रॉफिट, अपना सब कुछ आपने सब देखा, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने कभी मुझसे बात नहीं की, मैंने कभी शिकायत नहीं की, आपने कभी मेरे कॉलेज बचपने या जब भी ज़रूरत लगी माँ मेरे साथ थी, प्रियंका दी मेरे साथ थी, बट आप तो कभी साथ नहीं थे डैड। आज आप अचानक से, आपके बाप का फर्ज, आपका पता नहीं क्या क्या कहाँ से याद आने लगा, और आज तो आप इतने नीचे गिर चुके हैं, इतने नीचे गिर चुके हैं कि आपको उसको हराने की जगह पे आप उसको जान से मारने पे तुल चुके हैं। तो कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो सिमरन? तो कहते हैं कि नहीं डैड, मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। तो कहते हैं कि
तुमसे किसने कहा? हम तो को कहते हैं यहाँ कि किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है डैड, ठीक है। और हाँ, अब आप अपने इस घर में, इस महल में खुश रहिए, मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। और रही बात आपकी, तो ना आप एक अच्छे पति बन पाया, ना एक अच्छे बाप बन पाया, ना एक अच्छे बेटे बन पाया। आपने कोई फर्ज तो अच्छे से नहीं निभाया है डैड, तो आप अपने बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके कहने पे चले? आपने तो अपने माँ बाप के कहने पे नहीं चले, वो नीचे सर नीचे करके उनके ये जो किया होता है, उसके दिल में जो गुस्सा, जो गुबार भरा हुआ होता है अपने डैड के लिए, वो सारा निकाल देती है। कहती है कि और तो और, आप जिसको अपने औहदे, अपने पैसे से ना हरा पाए, तो आपने ये तरीका निकाले कि उसको जान से ही मार दो। अरे आप इतने ज़्यादा पैसे वाले, इतने ज़्यादा ताकतवर बन रहे हैं, तो उसको उसी ताकत से हरा देना। ऐसे उसके साथ ये छल कपट करके आप क्या साबित करना चाह रहे कि आप बहुत महान हैं? नहीं डैड, हम इस घर को, इस महल को, इस जगह को भी आप अकेले रहेंगे तरसेंगे, आपके साथ कोई रहे, मैं जा रही हूँ और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, हाँ क्यों नहीं, देखता हूँ कैसे सारे तुम्हारे खर्चे, तुम्हारे ये वो फलाना ढमकाना जो भी खर्चे आते हैं वो कैसे। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, तुम अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुकी, अब तुम मुझे कहने कि डैड मैं जब भी कमाऊँगी, जितना भी कमाऊँगी आपके पास पहुँचता रहेगा, उसका 1 रुपया भी मैं अपने लिए यूज़ नहीं करूँगी, याद रखिएगा आप। और उनकी माँ जब जा रही होती है, वो रो रही होती है दमयंती जी, क्योंकि इन दोनों के लड़ाई में कहीं ना कहीं वो बिना वजह पिस रही होती है। वो बच्चों के बिना भी नहीं रह पाती है और अपने पति के बिना भी नहीं, बट वो चुने किसे? उनका हाथ छुड़ा के जो हमारी सिमरन होती है वो घर से बाहर चली जाती है, और प्रियंका भी चली जाती है वहाँ से। और ये प्रियंका जैसे ही बाहर आती है, कहती चुटकी रुक जा, तो कहती कहती प्लीज़ अब मत रुकना, मुझे अब नहीं रुकना, मैंने बहुत रुक लिया। वो कहती है बेटा सुन तो सही, मैं क्या कह रही हूँ, मैं गाड़ी से छोड़ देती हूँ। प्रिया और प्रियंका को प्रिया नज़र से वो थोड़ा सा संतावना देती हैं, कहती हैं कि यही सही है, अभी उनको सिमरन को बैठाते हैं और गाड़ी ले जाते हैं। और गाड़ी ले जाने के बाद डोर बेल होती है, डोर बेल होती है तो दरवाज़ा हमारी बुआ जी खोलती, अरे बिटिया तुम हो, आओ आओ, अभी अभी अभ्यांशी भी आई है, सॉरी अनंतिका भी आई है। और अनंतिका, हमें पता था बटिया तुम्हारे बिना इनको चैन कहाँ, और ऐसे ताना कसते हुए चली जाती हैं। और कहती हैं कि एवेंट्री, कहती है सॉरी रना, सॉरी सॉरी सॉरी, जो हमारी अनंतिका होती है वो बोलती है कि क्या हुआ सिमरन तुम यहाँ इस वक्त? तो कहते हैं क्यों नहीं आ सकते? कहते जी तो नहीं आते हैं, हम चले जाते हैं। तो कहती हैं नहीं नहीं तुम्हारा ही घर है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? तो कहते हैं कि डैड कहाँ है? तो कहते हैं वो डैड अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आप क्यों नहीं रेस्ट कर रहे हो, मैं आपके लिए कुछ बना लेती हूँ। तो कहते हैं ये बैग, ये सब क्या क्या, ये चल क्या रहा है? तो कहती हैं कि मैं घर छोड़ के चली आई हूँ। तो कहती है क्यों, किस लिए? तो कहती हैं कि जिस घर में आपकी कदर नहीं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। तो कहती हैं कि पर तुमने तो मना कह देगी, वो कल की बात थी और ये आज की बात है, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, बैठ जाओ चुपचाप। कहती वो प्रियंका की तरफ देखती हैं, और प्रियंका की तरफ कहती हैं
वो दोनों उधर से नज़र से समझाने की कोशिश करती हैं, तो वो शांत हो जाती है और वो किचन में चली जाती है सिमरन, और कहती है कि हाँ सुनिए, और ये सूटकेस अपने कमरे में रखवा दीजिएगा। तो कहती है हाँ मैम, बोलती हूँ, चली जाती है। और उनके लिए सूप बनाने के लिए इधर प्रिया प्रियंका सारा वहाँ जो मैटर हुआ होता है वो बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ है और उसने डैड से भी ऐसे ऐसे बोला है। अभी पता नहीं अचानक से उसको क्या हो गया है और अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, तो प्लीज़ संभल के और कुछ ऐसा मत बोल देना कि वो। तो कहते हैं कि पर ये अचानक से ऐसे डिसीजन कैसे ले सकती है, पहले ये खुद आने के लिए तैयार नहीं थी। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है स्टोरी में, बने रहिए स्टोरी के साथ।